जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश सचिव संजय यादव ने कहा कि गरीब, बीमार और लाचार लोगों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना रूपी महामारी से तबाह है, ऐसे समय में सबसे परेशान गरीब लोग हैं, जो अपनी दिन भर के मेहनत के बदौलत दो वक्त का भोजन जुटा पाते थे, लेकिन आज सबसे बुरे दौर से ऐसे लोग गुजर रहे हैं। इनके परिवार के पास भूख से तड़पने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना अभी तक सही तरह से संचालित नहीं हुआ है। कहीं कहीं हुआ भी है तो राशन विक्रेता अपनी मनमानी कर रहा है। पूरे राज्य से राशन डीलरों की मनमानी की आवाज सुनाई दे रही है। देश और राज्य के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही कोई बैंक खाता, फिर भी वो लोग क्या करें? सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए जाप पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक मुहिम चलाया है, एक मुट्ठी दान, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान से प्राप्त दान के पीरो के देवचंदा बाल मुसहर टोली में प्रत्येक लोगों का लिस्ट तैयार करके हर घर में आवश्यक सामान मदद में दिया गया। संजय यादव ने कहा कि मदद की मुहिम पार्टी द्वारा लगातार पूरे बिहार में निरंतर चलता रहेगा। हर गरीब तबके हमारी सेवा समय समय पर पहुंचाती रहेगी, साथ ही सभी लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान किया गया। साथ में जाप के प्रखंड अध्यक्ष श्री भगवान सिंह, हरदयानंद सिंह, विनोद कुमार, चर्चित भोजपुरी गायक विवेक सिंह, अरुण यादव आदि लोग मौजूद रहे।